स्वार्थ सेवा, कोई पैसा नहीं लेते हैं और हम एक सेवा भावना से करते हैं ताकि हमारे जिला के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारी वीर नारियां हैं, उनको इस तरह की सुविधा मिले, उनको गया नहीं जाना पड़े और उनका यहीं पर हम मंगा दें। ऐसे में तो काफी बचत हो रही है लोगों को। गुड़ लगातार समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बने वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर की हेडलाइन सुनिए। अब सैनिक लोग के ना जाए के पड़ी गया, हेल्थ कार्ड बनावे में ना हुई परेशानी। जी हाँ, खबर के विस्तार से जानिए। जवन सेना के जवान अपन पूरा जीवन काल, अपन पूरा जवानी देश के सीमा पे बिता देवेला, जब रिटायर हो जाए ओकरा फिर भी दर दर भटके के पड़े थे, इसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का कह दे। लेकिन एकर निदान खोज ले बा लोग। बक्सर जिला के सैनिक संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है इनकर टीम। जी हाँ, भोजपुरिया समाचार भी ई खबर भी आइल बटुए, साथ साथ वीडियो भी बनल बा। सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष का कहतनी, पूर्व सैनिक संघ के, सब कुछ भोजपुरिया समाचार देखाई। खबर के अंत तक बनल रहब, खबर लास्ट तक देखब, सब कुछ क्लियर हो जाए। बता दी कि सेना के काम करे वाला जवान जो उनकी ड्यूटी पीरियड में काम करेलन, उनकर सालाना हेल्थ कार्ड के नाम पर सरकार के द्वारा पैसा काट लिया जाला। ये पैसा के एवज में सैनिक संघ के लोग के हेल्थ कार्ड के सुविधा उपलब्ध करावल जाला, जो महंगा महंगा हॉस्पिटल में इनकर हेल्थ से संबंधित चेकअप और साथ ही साथ दवाई बीरो के व्यवस्था सरकार के द्वारा कही जाला। लेकिन कई गो ऐसा लोग बाड़े, बुजुर्ग बाड़े, सेना के जवान वीरांगना औरत बाड़ी, जिनका के दिक्कत के सामना करत पड़त रहे कि हेल्थ कार्ड बनवावे खातिर गया जाए के पड़त रहे। लेकिन बक्सर जिला के पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष है इनकर टीम के द्वारा एगो सराहनीय पहल कैल गेल बा, जौन बक्सरे में उपलब्ध बा। हेल्थ कार्ड खातिर एजबे सारा डॉक्यूमेंट जमा करके आई लोग के समस्या के समाधान कर दिया था, ताकि लोग के दौड़े के मत पड़ो, एने उन्हें जाए के मत पड़ो, सब कुछ ई बक्सरे में काम कैल जाता, ताकि देश के जौन वीरांगना औरत बाड़ी, जौन बुजुर्ग महिला बाड़ी, उनकर हेल्थ के चेकअप समय समय पर बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में हो सके। एकरा खातिर यही जगह से ई लोग के सारा आवेदन फार्म सिग्नेचर हस्ताक्षर सब कुछ रोड़ा दृश्य दिखाई दे रहा बा। बूढ़ से बूढ़, बुजुर्ग से बुजुर्ग, सैनिक लोग के ख्याल रखत सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष ई व्यवस्था कैले बा, ताकि कोनो भी प्रकार से सेना के जवान के जे रिटायर हो चुकल बटुए, जे सेना के सेवा दे के अपन कार्यकाल खत्म कर चुकल बटुए, उनका दर दर के ठोकर ना खाए के पड़े। सराहनीय पहल बटुए। रौरो सबसे भोजपुरिया समाचार निहोरा करी कि जितना भी रौरा हितई नतई गोतिया भाई, केहू भी ऐसा सैनिक होखो जेकर हेल्थ कार्ड ना बनल होखे, परेशानी होत होखे, गया जाए के झंझट से छुटकारा पावत हो, खस करौरा एक बार बक्सर में जाई, निःशुल्क निःस्वार्थ एको पैसा ना लागी, और हेल्थ कार्ड के व्यवस्था पूर्व सैनिक संघ बक्सर कह दी। भोजपुरिया समाचार के बयान सुनी, लेकिन रौरा सबसे भोजपुरिया समाचार निहोरा करला कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर ली, कमेंट करके शेयर करी, धन्यवाद। हम लोग पूर्व सैनिकों के लिए जो ECHS कार्ड जिसका बना हुआ है, जो गया जाना पड़ता है इनको लाने के लिए, हम लोग उसको यहीं पर डॉक्यूमेंट हमारी संघ कर रही है, यहीं पर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और हम गया से भेज करके उस कार्ड को हम यहीं पर मंगा रहे हैं। और जितने लोग हैं अभी तक, हमने कम से कम 400-500 कार्ड मंगा चुके हैं और आगे भी यही है हमारा काम चल रहा है। जाना पड़ता था, हाँ, इसके लिए लोगों को गया जाना पड़ता था। अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो जाती थी तो उनको फिर वापस आना पड़ता था। सोचिए, गया जा कर के गया से आना कितना दिक्कत होता था, पैसा का एक्सपेंस अलग से था। वो काम हम यहीं से कर रहे हैं, चेक करके कर रहे हैं। क्या फ्री ऑफ निःशुल्क इसमें? हम बिल्कुल निस्वार्थ है हमारा पूर्व सैनिक संघ जिला बक्सर, एकदम निस्वार्थ सेवा, कोई पैसा नहीं लेते हैं और हम एक सेवा भावना से करते हैं, ताकि हमारे जिला के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारी वीर नारियां हैं, उनको इस तरह की सुविधा मिले, उनको गया नहीं जाना पड़े और उनका यहीं पर हम मंगा दें। ऐसे में तो काफ़ी बचत हो रही है लोगों को, आसानी भी है। हाँ, बहुत बचत हो रही है। अब मान लीजिए कि एक जाने आने में कम से कम 2-3 हज़ार खर्च पड़ेगा मिनिमम, अगर दो बार जाना पड़े तो सोचिए, समय और समय भी साथ में, लोग अधिकांश जो रिटायर हैं, बहुत से बूढ़े लोग हैं, आने जाने में उनका बहुत से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सब हम यहाँ करते हैं। और लोगों के लिए क्या सलाह? मैं पूरा बक्सर जिला के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जितने हमारे पूर्व सैनिक या वीर नारी हैं, जिनका OTP आ गया है, मतलब कार्ड बन के तैयार है गया में,
वो हमारे यहाँ आ करके अपने डॉक्यूमेंट जमा कर लें, हम उनका कार्ड निःशुल्क मंगा देंगे बिना किसी पैसे के। हाँ, और हर महीने में हम यहाँ पर डेट ECHS के सामने डिस्प्ले कर देते हैं उस तारीख को, खास करके हर महीने के संडे के दिन, हर महीने के पहला संडे के दिन हम करते हैं। कौन से सर? सुबेदार हरेंद्र तिवारी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ जिला बक्सर।